गाइज, मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो कि आजकल इस हफ्ते में मैक्सिममली मेरे से स्टूडेंट्स ने पूछा है, जो बच्चे वेट कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स का एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होने का, तो ये जो तीन क्वेश्चन है ये सारे बच्चे मैक्सिममली सबके दिमाग में आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा एनजाइटी लेवल इंक्रीज़ हो रही है, लाइक पेशेंट्स से हम बैठ नहीं पा रहे, हम बार बार स्क्रॉल करके देख रहे हैं, BHUonline.in को भी चेक कर रहे हैं कि कब आएंगे BHU के फॉर्म्स, कब होंगी BHU की फॉर्म्स अप्लीकेशन रिलीज़ और कब हम अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है कि एग्जामिनेशंस, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कब कंडक्ट होंगे, और थर्ड क्वेश्चन मैं एकदम लास्ट में बताऊंगी कि वो थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, वो एग्जामिनेशन टिप्स के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है, तो वो मैं थर्ड क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करूंगी। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना अगर वो तीसरा क्वेश्चन जानना है। तो पहला क्वेश्चन का जो जवाब मैं देना चाहती हूँ कि फॉर्म कब रिलीज होंगे, चाहे वो UG कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं या फिर PG कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं फॉर बनारस यूनिवर्सिटी, तो मोस्ट प्रोबेबली है, जो कि मैं बहुत दिनों से रिपीटली यही बोल रही हूँ कि अगस्त फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म्स रिलीज हो जाएंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, इसके बाद 10 से 15 दिन या 20 डेज दिए जाएंगे आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास मोस्टली 20 डेज या 15 या 20 डेज होंगे आपके इन हैंड, आप फॉर्म फिलअप करके उसको रीचेक करके आउट करवा सकते हो, लाइक जब प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, मेल भी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि दीदी एग्जामिनेशंस के लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में कितने टाइम बचे हुए हैं, तो फॉर्म रिलीज़ हो जाने का जो 20 डेज है तुम उसी को लेके चलो और 5-6 दिन आगे पीछे रखोगे तो तुम मैक्सिममली मान लो कि तुम्हारे पास 30 डेज है, 30 डेज है इन हैंड, अगर तुमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है और अब से करना चाहते हो, क्योंकि ये तीसरा क्वेश्चन यही है, तीसरा सवाल यही है कि दीदी आप ये बताइए, अगर हमने प्रिपरेशंस बिल्कुल भी अभी तक स्टार्ट नहीं की है, हम इतने दिनों से सोच रहे थे कि एग्जामिनेशंस होगा कि नहीं होगा, या आपके पास अदर रीजंस थे उस वजह से आपने प्रिपरेशंस नहीं की, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, येस ऑफकोर्स आप स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको बहुत ही क्विक रिविजन करनी होगी प्रिपरेशंस के लिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए कैसे भी करके, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 30% हेल्प करेगा, ऑल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में मैक्सिममली 30% क्वेश्चंस आपको रिपीट दिखेंगे, पैटर्न समझ आ जाएगा पेपर कैसा होने वाला है। इसके बाद एग्जामिनेशंस कब होंगे, ये सेकंड क्वेश्चन था, तो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर मिड तक आपके चांसेस हैं एग्जामिनेशंस, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट होने के लिए। ठीक है, क्योंकि 20 अप्रॉक्स डेज मिलेंगे आपको फॉर्म फिलअप करने का, तो ऐसा तुरंत नहीं है कि 20 डेज ख़त्म होते ही आपके एंट्रेंस होंगे, नहीं, आपके एग्जामिनेशंस की डेट आएंगे और उसके बाद सेंटर वेंटर जो भी डिसाइड होगा उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन है, एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपका एग्जामिनेशन होगा। तो अब आप मान के चल सकते हैं कि आपके पास 30 डेट है, 30 डेज है आपके इन हैंड में, और इसको आप वर्थली यूज़ करिए, प्लीज़ अच्छे से यूज़ करिए, ये नहीं कि फॉर्म आ जाएंगे उसके बाद प्रिपरेशंस करेंगे, ऐसा भी बच्चे सोचते हैं, तो बिल्कुल भी मत ऐसा सोचो कि तुम्हारे से पहले, तुम अभी ये सोच रहे हो कि अब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तुम्हारे सोचने से पहले कितने बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे और वो अब वेट कर रहे हैं रिविज़न स्टार्ट करने का, तो उनका मैक्सिमम अमाउंट प्रिपेयर हो चुका है। अब आप प्लीज़ अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए, बुक को खोलिए और प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अब बात करते हैं टिप्स की, तो टिप्स ये है, तुम जितने क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करोगे, टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करोगे, उतने अच्छे से तुम्हारी प्रिपरेशंस हो जाएगी। मैं नहीं बोलूँगी कि तुम इस समय किताब उठाओ और पढ़ना शुरू करो, अगर तुमने प्रिपरेशंस बिल्कुल भी नहीं की है, तुम क्वेश्चन उठाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर क्वेश्चन के आंसर खोजो और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, यही मेजर टिप है 30 डेज के लिए। मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, मैक्सिमम टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करिए। BHU इन्फोपीडिया टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करने वाला है, जिसके लिए हम सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। MBA के लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है सिर्फ और सिर्फ, बाकी अदर जितने भी आप कोर्स मेंशन करोगे कमेंट सेक्शन में, हम उसकी भी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर देंगे। आई होप ये जो टिप मैंने बताई है कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके उसके आंसर को पढ़ना स्टार्ट करो, क्वेश्चंस एक क्वेश्चन में तुम्हें 2-3 क्वेश्चन और मिल जाते हैं, ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो शायद तुम्हारी प्रिपरेशन जो कि जीरो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए 20%, 30%, तो फिर और मन करेगा थोड़ा और पढ़ लेते हैं, तो
और इंक्रीज़ हो जाएगी। अब मैं ये थोड़ी बोलूँगी कि तुम अब एक बड़ी सी किताब उठाओ और उसमें से स्टोरीज़ की तरह पढ़ना स्टार्ट करो, अब उतना टाइम भी नहीं। अगर आप कैपेबल हैं, 8-9 घंटा दे सकते हैं अपनी स्टडीज़ को, तो आप किताब पढ़ सकते हैं। अगर आप लेज़ी हैं बिल्कुल भी नहीं, तो आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसके सब्जेक्ट टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपकी थोड़ी प्रिपरेशन धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपका और मन लगेगा तो आप जल्दी जल्दी और मेहनत से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट है एक्स्ट्रा में, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो BHO Infopedia को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको किसी टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि दीदी आप इस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए डिस्क्रिप्टिव वे में। इसके साथ ही साथ काफ़ी और भी डाउट्स मैंने देखे हैं कमेंट सेक्शन पे, जिसमें मैं आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करूँगी धीरे धीरे करके। और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ, जो बच्चे अलग अलग कोर्स के बारे में पूछते हैं कि दीदी ब्लैट का एग्ज़ाम कब होगा, BSc एग्रीकल्चर का एग्जामिनेशन कब होगा, MBA का एग्जामिनेशन कब होगा, UG का मतलब हो गया अंडर ग्रेजुएट के सारे कोर्सेज, PG का मतलब हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन के सारे कोर्सेज, ये सारे फॉर्म्स एक ही साथ रिलीज़ होंगे और अगस्त में रिलीज़ होंगे। अगस्त के बाद 10 से 15 दिन 20 दिन आपको मिलेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, और सितंबर मिड में आपके एग्जामिनेशंस, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होपफुली कंडक्ट होंगे। और अब मुझे नहीं लगता कि किसी के पास एक्स्ट्रा फॉर्म रिगार्डिंग या फिर एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग कोई डाउट हो। इससे पहले BHO का एक बुलेटिन रिलीज़ होगा, प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ होगा, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब मेंशन रहेंगी। जैसे ही वो रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि मैं चाह रही हूँ BHO को ये आवाज़ सुनाई दे कि BHO कुछ तो बोलो, एडमिशन के द्वार खोलो, ऐसा कुछ स्लोगन मैं बनाऊँ और ट्विटर पर ट्वीट करूँ, ऐसा कुछ मैं मस्ती मजाक में बोल रही हूँ, बट सीरियसली, क्योंकि JNU का भी एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, हो गया है एक्चुअली, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, तो BHO को भी यही करना चाहिए कि BHO अब जल्दी करो, क्योंकि बच्चों का जो पेशेंस लेवल है ना, वो अब एनजाइटी में चेंज हो रहा है, और एनजाइटी का मतलब है कि वो एनजाइटी जब ऊपर चली जाती है तो फिर धीरे धीरे डिप्रेशन आने लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग रिलैक्स करिए, अपनी प्रिपरेशंस करिए, जितने अच्छे से ज़्यादा टाइम दोगे प्रिपरेशंस में, उतना तुम अच्छा स्कोर कर ले जाओगे, है ना। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, साइनिंग ऑफ, डू सब्सक्राइब टू BHO Infopedia।